उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद इस पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। उन्नाव पहुंचे बीजेपी नेता साक्षी महाराज के विरोध में एलएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साक्षी महाराज वापस जाओ के नारे लगाए। तो प्रदर्शन की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर साक्षी महाराज परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों में घटना के बाद से जो रोष है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साक्षी महाराज का यहां पर विरोध किया गया है, उन्हें वापस जाने के नारे भी लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए हम लोग आए हैं और इस पीड़िता के साथ मार्च में जब से घटना घटी है तब से मैं, मेरी पार्टी पूरी ताकत से इनके साथ खड़ी हुई है और आपके सारे मीडिया वाले चैनलों पर पार्लियामेंट में होते हुए यहाँ की स्थिति के बारे में अपना स्टेटमेंट देता रहा हूँ। आज हम सब मुख्यमंत्री के आदेश से यहाँ पर आए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ तो होगी जो 5 अरेस्ट किए गए हैं। अगर कोई और भी बदतमीजी करने का प्रयास होगा, हम लोग उन्हें सामूहिक रूप से मंत्री जी ने और हमने DMSP को निर्देशित किया है। तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा। आकाश, साक्षी महाराज के लिए जो रोष प्रकट किया गया है वो दर्शाता है कि लोगों में घटना के बाद से कितना गुस्सा है, सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए तो रणजीत, सवेरे से ही हम आप इस चीजों पे लगे हुए देख भी रहे हैं कि क्या समीकरण चलते चले आ रहे हैं जी। जहाँ एक तरफ जो है साक्षी महाराज जो है काफी खुद सांसद है और दूसरी बार सांसद हुए उन्नाव में, जिस समय घटना घटती है उस समय सब नेता कोई भी वहां पे दिखाई नहीं देते हैं। जब मुख्यमंत्री जो है दो लोगों को भेजते हैं वहां पर हम अपने जो है एक कार्य अपनी सरकार की तरफ से, तब इनकी आंखें खुलती तो ये भी वहां पर पहुंचते हैं। तो वही प्रियंका गांधी जिस समय पहुंची हुई थी तो तमाम उनके वहां पे कार्यकर्ता साथ में उनके वहां पर साथ में और वहीं पे NSUI के जो कार्यकर्ताओं पर जिस तरह लखनऊ में जो लाठीचार्ज किया गया था उससे खासे नाराज होकर के उन सबने इनका विरोध किया और वापस मोदी जाओ, वापस साक्षी महाराज जाओ के नारे तक लगाए गए जी। आकाश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों में जो गुस्सा है उससे योगी सरकार और बीजेपी कैसे निपटेगी, क्योंकि देखिए लोग यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है वो भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा थोड़े समय बाद में। देखिए जिस तरीके से खुद प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, तो उससे खासे जो है कार्यकर्ता भी उत्साहित है कि उनके बीच में उनका बड़ा नेता है नेतृत्व करने के लिए। मतलब साफ है कि पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन बीजेपी ने भी जिस तरीके की तैयारियां कर रखी है वो शायद ये बोल रही है कि कभी विपक्ष में वो भी बैठते थे और कभी आने वाला समय किसका होगा ये वक्त ही बताएगा। तो मतलब ये एकदम देखा जाए तो तस्वीर ये साफ होती नजर आ रही है कि एक पीड़ित पक्ष जो है वो आज नेताओं से घिरा हुआ है, जो नेता कभी उस गांव में भी नहीं गए होंगे, कभी वोट तक नहीं मांगने गए होंगे। मतलब एक चलती हुई कहा जाए एक उसमें तरक्की को लेकर के जो है दिखाना जो है इनको पड़ रहा है कि किस तरीके से वो वहां पे जनता के साथ में है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए आकाश।